हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको एक खूबसूरत सा, प्यारा सा, यूनिक सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ जो बहुत ही आसानी से आप बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत भी लगता है, प्यारा सा। देखिए, और इसका ये उल्टा साइड हुआ और ये इसका सीधा साइड हुआ। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं। जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बच्चों का, किसी भी दो कलर में, एक कलर में, जिसमें भी हो। देखिए कितना प्यारा सा छोटा छोटा बूटी जैसा लगता है। देखिए, और आसान, बिनना भी उतना ही आसान है। दो फंदों का डिजाइन है और चार सलाई का डिजाइन है ये आपका। आप यहाँ जो भी बॉर्डर देना हो बॉर्डर दीजिएगा, या बेस जो भी हो आपका। बॉर्डर देने के बाद आप फौरन, बॉर्डर के फौरन बाद आप पहला सिलाई, पहला रो, देखिए इस तरह से सीधा बिनिएगा, जो आप नॉर्मल सीधा बिनती हैं, इस तरह से बॉर्डर के फौरन बाद। ये ऑड नंबर का फंदा में बनता है। इसके लिए आपको जोड़ी का फंदा नहीं, जैसे दो चार छः इस तरह का नहीं, तीन पाँच सात नौ इस तरह का फंदा चाहिए, तो इसमें आपका ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाएगा और अपने आप बनता चला जाएगा। तो इसमें मैं 39 फंदा डाली हूँ। 29 डालिए, 19 डालिए, 39 डालिए, 49 डालिए, 50 नहीं, ऑड नंबर डालना है इससे, इसके लिए आपको। तो इसके लिए आपको ये देखिए, पहला रो सीधा सीधा इस तरह से बिन के कंप्लीट कीजिए आप। ये हमेशा याद रखिए, ऑड नंबर डालना है आपको, मतलब 3, 5, 7। अगर 8 है उसमें 1 बढ़ा के 9 बना लीजिए। अगर आप नीचे बॉर्डर में 8 डाली हैं तो 1 बढ़ा के 9 बनाइए। जितना भी हो उसमें ऑड नंबर डालना है आपको। एक तो ये एक रो, पहला रो डिजाइन का सीधा बिना गया, और दूसरा रो ये देखिए, ये वाला सिलाई वाला उतारिए और उनको आगे कीजिए, और ये वाला इस साइड से भी सीधा बिनिए, उल्टा साइड से भी, रॉन्ग उल्टा साइड से भी सीधा बिनिए, सीधे साइड से सीधा और उल्टे साइड से भी सीधा। ये रो पूरे आप इसी तरह से बिन के कंप्लीट कर लीजिए पूरे रो। जब भी डिजाइन आप शुरू करें, पहला रो सीधा, दूसरा रो उल्टा साइड से भी सीधा बिनना है आपको। अब ये दूसरा रो कंप्लीट हो गया आपका, सीधा साइड, उल्टा साइड से सीधा बिन के। देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, ये आ गया डिजाइन का थर्ड रो। थर्ड रो में क्या करना है, ये वाला इस तरह से आप इसको स्लिप कर लीजिए, और एक फंदा ये वाला जो है इसको इस तरह से सीधा बिन लीजिए, हो गया, और उनको आगे कीजिए। इस वाले फंदा को इस तरह से स्लिप कर लीजिए और इसको इस तरह से आगे करके फिर एक फंदा सीधा बिनिए, फिर उनको इस तरह से आगे कीजिए, फिर एक फंदा इस तरह स्लिप करके इसके आगे से इस तरह घुमा के फिर एक फंदा सीधा, फिर इस तरह से आगे कीजिए, फिर एक स्लिप कीजिए, फिर इस तरह से ऐसे घुमा के एक सीधा, फिर फंदा आगे, फिर स्लिप, फिर घुमा के फिर सीधा, फिर आगे ऊन, फिर घुमा के फिर सीधा। एक स्लिप करना है और एक बिनना है, लेकिन ऊन का देखिए इस तरह से आगे करके इसको स्लिप करना है और इसको इस तरह से पीछे करना है, फिर इसको बिनना है, फिर ऊन इस आगे करना है, फिर इसको स्लिप करना है, फिर इस तरह से एक फंदा बिनना है। बस ये दो फंदों का डिजाइन है, इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। ये तीसरा रो देखिए, बहुत आसानी से आप इसको बिन सकती हैं। कितना आसान है ये देखिए, एक स्लिप करना है, उनको पीछे करना है, एक बिनना है। फिर इसको बिनना, देखिए ये हो गया, ये स्लिप हो गया,
ये बिन आ गया। फिर इसको इस तरह से स्लिप कीजिए, ये वाला बिन लीजिए, ये हो गया आपका थर्ड रो। अब फोर्थ रो क्या करना है आपको, देखिए इस तरह से इसको उतारिए और ये वाला इसको ऊन को आगे कर लीजिए और ये स्लिप वाला इस तरह उतार लीजिए और ये वाला ये देखिए लास्ट जो हो गया ये स्लिप हुआ, ये वाला बिन आ गया। इसको ऊन को पीछे करके अब ये दो फंदा आगे ही करके ये दो फंदा आप इस तरह से बिन लीजिए। अब ये आ गया डिजाइन का थर्ड रो। थर्ड रो में क्या करना है आपको, देखिए ये वाला बिनना है और ये देखिए यहाँ सीधा नजर आ रहा है, स्लिप वाला फंदा आपको सीधा दिखाई देगा, तो इसको इस तरह स्लिप कीजिए और ऊन को इस तरह से आगे कीजिए और ये वाला देखिए उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए उल्टा फंदा इस तरह से बिनना है। फिर ऊन को आगे कीजिए, फिर ये वाला देखिए स्लिप सीधा सा लगेगा आपको, स्लिप वाला अंदाजा अपने आप बन जाएगा, आप जब बिनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्लिप वाला कौन है और बिना हुआ कौन है। स्लिप वाला इधर से भी आपको स्लिप करना है और ऊन को पीछे करके बिना हुआ उल्टा बिनना है, फिर इसको इस तरह स्लिप करना है, फिर आगे करके ऊन, फिर इसको बिनना, फिर इसको इस तरह स्लिप करना है, फिर आगे करके ऊन बिनना, फिर इसको इस तरह स्लिप करना है, आगे करके ऊन बिनना है, इस तरह स्लिप करना है, आगे करके बिनना है। देखिए अपने आप इसमें अंदाजा आपको लग जाएगा, जब आप बनाइएगा डिजाइन ना खुद ब खुद पता चल जाता है कौन सा उल्टा है और कौन सा स्लिप करना है, कौन सा बिनना है। तो ये देखिए स्लिप वाला फंदा स्लिप ही करना है और ये वाला बिनना, स्लिप करके बिना हुआ इस तरह से, देखिए बिना हुआ इस तरह से आगे पीछे कीजिए, फिर स्लिप वाला इस तरह कीजिए, फिर इसको इस तरह से आगे कीजिए, तब ये उल्टा वाला इस तरह बिनिए, फिर इसको इस तरह, इसको इस तरह, इस तरह से। ये फोर्थ रो आपका इसी तरह से कंप्लीट होगा। बस ये फोर्थ रो बनने के बाद आपका डिजाइन पूरा बन गया, देखिए कितना आसान है, बस ऊन को आगे पीछे करना है आपको और कुछ नहीं। ये देखिए और लास्ट आ गया तो दोनों फंदा इस तरह से उल्टा बिन लीजिए, हो गया फोर्थ रो कंप्लीट। ये बन गया आपका डिजाइन, ये वाला देखिए, ये इस तरह से डिजाइन आपका बनता चला जाएगा। अब फिर दूसरा आप डिजाइन, ये डिजाइन एक कंप्लीट हो गया चार रो का, अब फिर दूसरा डिजाइन आपको कंप्लीट करना है तो यहां से फिर आप इस तरह से सीधा एक रो सीधा बिन लीजिए पूरे रो इस तरह से, देखिए ये पूरे रो इस तरह से सीधा बिनिए। अब ये सीधा रो पूरे कंप्लीट हो चुका है। अब ये आ गया आपका फिर शुरुआत का डिजाइन का दूसरा रो, तो ये वाला इस तरह उतारिए और ऊन को इस तरह से आगे कीजिए और ये वाला रो पूरे उल्टा को सीधा बिनिए, उल्टे तरफ से भी ये रो सीधा बिनना है आपको, ये रो इसी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए। अब ये डिजाइन आपका कंप्लीट हो चुका है, देखिए कितना खूबसूरत लगता है, बूटी बूटी जेंट्स का स्वेटर में तो बहुत ही प्यारा लगता है, देखिए जेंट्स लेडीज बेबी किसी में भी आप एक कलर में भी डाल सकती हैं, दो कलर में भी इसको डाल सकती हैं, कोई भी प्रोजेक्ट में आप स्वेटर मफलर शॉल किसी में भी आप इसको डाल सकती हैं। अगर इसमें कहीं भी कोई भी परेशानी हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।